हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का फिस्कल फिंसर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं सेल्फ विजय बड़ियाद्रा। दोस्तों, कल हमने बात किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी दबाव में है, डाउन साइड जा सकता है। और आज हुआ भी कुछ ऐसा कि मार्केट इतना गैप डाउन ओपन हुआ। आज हमारा ट्रेड नहीं हुआ बिकॉज बहुत गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट कल के क्लोजिंग रेट से। इट मीन्स 624 का क्लोज था और आज मार्केट खुला सीधा 399। इट मीन्स 250 पॉइंट्स, अप्रोक्स 250 पॉइंट मार्केट गैप डाउन खुला। तो आज अपनी कोई पोजीशन नहीं बन पाई निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्योंकि ऑलरेडी मंदी में ही ओपन हुआ था। मैंने आपको स्टॉक जो दिए हुए थे वो स्टॉक हम एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहले था आइशर मोटर, EICHER, आइशर मोटर। सबसे पहले है आइशर मोटर। इस स्टॉक मैंने आपको बोला था सेल करने के लिए, ये काफी गिरेगा और हुआ भी कुछ ऐसा। मैंने आपको बोला था कि आइशर मोटर यदि आपको सेल करना है तो 2414 यहां से सेल करो, और आज इसका लो 2318। दूसरा मेरा स्टॉक था HDFC लाइफ। मैंने बहुत दिन पहले आपको बताया था, शायद 4-5 दिन हो गए, मैंने ये स्टॉक बोला था कि ये स्टॉक बेचना है, इसको सेल करना है, और आज ये हालत हुआ HDFC लाइफ का। मैंने 798 से टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था और मैंने आपको बताया था कि इसका टारगेट बहुत बड़ा है, 620 तक का टारगेट है इसका, 620 तक ये स्टॉक गिरेगा। और इसमें फॉल है, और फॉल आ सकता है इसमें, लेकिन यदि इसमें थोड़ी सी रिकवरी दिखे तभी आपको सेल करना है। और मैंने आपको एक स्टॉक बताया था, वो स्टॉक था अदानी पॉर्ट। अदानी पॉर्ट मैंने आपको बताया था 742 से सेल, और आज इसका लो है 708, काफी गिरा ये भी। और लास्ट स्टॉक मैंने आपको जो बताया था उसमें एक और स्टॉक मैंने बताया था, वो स्टॉक था सिप्ला, सॉरी सन फार्मा। ये स्टॉक में हमें बाइंग करना था। इतना गिरावट के बाद भी, आज मार्केट में इतने गिरावट के बाद भी सन फार्मा गिरा नहीं, आज भी उसने हाई बनाया। ये स्टॉक 675-700 तक क्लियर मूव करेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें पोजिशनल बाय करने में। लेकिन मैंने जो आपको स्टॉप लॉस बताया है वो स्टॉप लॉस आप लगा के रखे, स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। दोस्तों, बात करते हैं कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी का। निफ्टी में यदि हमें कल पोजीशन बनाना है तो कौन सी साइड की पोजीशन बनानी चाहिए, तो मैं आपको कल के लिए निफ्टी में बाय पोजीशन सजेस्ट करूंगा। कल के दिन हमें निफ्टी में बाय साइड रहना चाहिए, क्योंकि कल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, कल मार्केट खुल के ऊपर जाएगा। कल के लिए निफ्टी पॉजिटिव है, तो कल आपको यदि बाय करना है निफ्टी तो 380 के ऊपर, 14,380 के ऊपर निफ्टी यदि स्टेबल होती है तो बाय करके जाइए, और यदि आपको सेल करना है तो 14,280, 14,280 के बिलो ही इसको सेल करना चाहिए। लेकिन मैं बाय साइड हूँ कल के लिए, कोई भी पोजीशन आप दोस्तों बनाए तो हमेशा स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। यदि आप बाय कर रहे हो तो सेल साइड का जो रेट है उसका स्टॉप लॉस लगाइए, यदि आप सेल कर रहे हो तो बाय साइड का स्टॉप लॉस लगाइए। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, कल बैंक निफ्टी के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, कल के लिए बैंक निफ्टी भी पोजिशनल कल के लिए, नॉट पोजिशनल, कल के लिए बैंक निफ्टी भी बाय है। लेकिन कल बैंक निफ्टी यदि आपको बाय करना है तो आप कहाँ से बाय कर सकते हो, 31,000 के ऊपर यदि बैंक निफ्टी कल स्टेबल होती है तो आपको बाय करके जाना चाहिए। 31,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बाय है और 30,600 के नीचे बैंक निफ्टी सेल है। दोस्तों, यदि 31,000 के ऊपर बैंक निफ्टी क्रॉस हो, 31,000 के ऊपर निकले बैंक निफ्टी कल और आपको दिखे, तो आप बाय कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 30,600। 30,600 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और 30,600 के नीचे स्टेबिलिटी देती है बैंक निफ्टी तो बहुत बड़ा फॉल आएगा। ये था आज का व्यू।
दोस्तों स्टॉक के बारे में मैं आपको यदि बताऊं तो स्टॉक में जो स्टॉक मैंने दिया है उसमें एक स्टॉक ऐड करना है, वो है सिप्ला। सिप्ला पोजिशनली बाय है, तो हम देखते हैं सिप्ला में। दोस्तों मैं आपको चार्ट जो दिखा रहा हूँ इक्विटी का ही चार्ट दिखा रहा हूँ और इक्विटी का ही मैं प्राइस बता रहा हूँ। सिप्ला यदि कल 951 के ऊपर स्टेबिलिटी दे तो इसको बाय करके जाइए, आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 942 का, 942 का स्टॉप लॉस, 952 से बाय, और इसका आपका टारगेट रहेगा 970, 975। सो कल के लिए एक ही स्टॉक है दोस्तों। आपने यदि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया हुआ है। और दूसरी बात दोस्तों, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसके बेस पे आप ट्रेड करके बहुत सारा अर्निंग कर सकते हो। नॉलेज ही अपना अर्निंग है। अक्सर देखा गया है कि इफ यू हैव प्रॉपर नॉलेज देन ओनली यू कैन अर्न अ बिग मनी। सो यदि आप ज्वाइन होना चाहते हो, सीखना चाहते हो प्राइस एक्शन के बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहां पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हो। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कोविड के हालत में घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। अगेन माई सेल्फ विजय बढ़ियाद्रा साइनिंग ऑफ।